राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। तो पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। रविवार को ये अटकलें सच्चाई में तब्दील हो गईं। कांग्रेसी नेता एके एंटनी ने ऐलान किया कि राहुल गांधी यूपी की अमेठी लोकसभा सीट के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। दरअसल वायनाड शहर की सीमाएं तीन राज्यों से मिलती हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि केरल और कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल ने यह कदम उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि अमेठी राहुल गांधी के लिए परिवार का सदस्य की तरह है। उधर राहुल के केरल से चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान से वाम दलों में हलचल सी मच गई है और वो कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। वाम दल और एनडीए के गठबंधन ने तो बकायदा वायनाड सीट पर तुषार वेलापल्ली नाम का उम्मीदवार भी उतार दिया है। तुषार वेलापल्ली भारत धर्मजन सेना के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें 2008 में वायनाड संसदीय क्षेत्र बना जो कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता है। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव यहां से कांग्रेस के एमआई शाहनवाज जीते थे, लेकिन 2018 में उनके निधन के बाद यह सीट खाली है। दोनों बार वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन फिर भी हमने डी राजा, सीताराम येचुरी, इन सबके रिएक्शंस देखे, उसमें गुस्सा भी देखा और कुछ तीखे बोल भी देखे और कुछ ऐसी बातें भी कही जो कभी बीजेपी कहा करती थी आज वामदल कहने लगे हैं। एक बार फिर से मैं अपने खास पैनल से आपकी आपको रूबरू कराती हूं। संदीप द्विवेदी, नेता बीजेपी, नोएडा स्टूडियो से चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेसी नेता, एके मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, देवेंद्र सिंह, किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले चंद्रमोहन जी का रुख करूंगी, उनके नेता जिन्होंने दो लोकसभा सीटें चुनी है। कांग्रेस क्या मानती है, क्या जीत हासिल होगी, क्या सोचकर जो हमने अभी बताया चंद्रमोहन जी, उसमें कितनी सच्चाई है? दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए या एक आसान रास्ता? देखिए, दक्षिण तो हमारी पकड़ मजबूत है, लेकिन हमारे वहां की जो जनमानस था वो राहुल गांधी जी की बहुत टाइम से डिमांड कर रहा था। तो इससे अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जी को जो वहां के वर्कर्स और वहां के बूथ लेवल के लोगों ने बोला, तो इसलिए उस तरफ गए। और अमेठी के साथ हमारा एक अभिन्न अंग नाता है, अमेठी हमारे परिवार की तरह है, तो अमेठी भी तो हम बराबर लड़ेंगे ही। बेसिक साउथ के वहां जाने से हमारे को साउथ की जो सिस्टम था उसको हमने कैप किया, क्योंकि राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने हैं तो वहां के जितने भी वर्कर्स और जितने भी नेता थे उनकी डिमांड थी कि राहुल गांधी जी साउथ में भी आए। तो जब साउथ में आने के कारण हमें साउथ की जो वो सीट थी उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने उसको चुना। लेकिन आपने वाम दलों को नाराज कर दिया। नहीं, नाराज कोई बात नहीं है, वो अपने काम कर रहे हैं, उनका मकसद अपना है, हमारा मकसद अपना है। आज 2019 का इलेक्शन होने जा रहा है तो वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। पर आप लोगों ने राय मशवरा नहीं किया क्या? कई सारे मुद्दों पे राय मशवरा चलता है। बात पहले से ही थी कि राहुल जी वहां पर लड़ सकते हैं, तो उनको भी पता था ये बात का। हम ये सिर्फ इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग था। सीताराम येचुरी बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई ये फैसला कैसे हो गया। सीताराम येचुरी बड़े नेता हैं, अगर वो अपनी कोई सोच ऐसी रखते हैं तो वो रख सकते हैं। इसके लिए हमारा कोई ऐसा कोई विजन नहीं है कि हमने उस विजन में कोई उनको साथ लेके करा है। वहां के जो जनमानस की आवाज है उसको राहुल जी ने पूरा करा है। अभी आपने अमित शाह को सुना? अमित शाह जी की तो जो बात है वो तो बिल्कुल निराली है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मालदा के अंदर खड़े होकर ये कह सकते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू, पारसी और सिख ठीक है और जो मुसलमान है वहां कलेजा है। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जब उनको टोपी पहननी होती है तो वो हमारे यहाँ की मस्जिद छोड़ के बाहर की पहन लेते हैं। मैं उनकी बात को जोड़ रहा हूँ, तो कुछ नहीं कह सकते कि क्यों भाग गए अमेठी छोड़ के भाई। वो अभी नरेंद्र मोदी जी अभी सुनने में आ रहा है कि वो भी सूरत से लड़ने जा रहे हैं, तो वो वाराणसी क्यों लड़ गए? अभी प्रियंका गांधी ने सिर्फ यही कहा है कि क्या मैं वाराणसी लड़ जाऊं क्या? तो इतने में नरेंद्र मोदी जी ने सोच लिया कि मैं सीट बदल लूं। तो ये तो देखिए चलता रहेगा, ये राजनीति है, ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या मोदी जी को लगा कि सीट बदल देनी चाहिए वाराणसी का नाम सुनके? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए, मोदी जी सत प्रसत वाराणसी से ही लड़ेंगे और इस बार और भी ज्यादा मार्जिन से लड़ेंगे। रही बात राहुल गांधी की, बात अगर पिछले 2.5 साल से अमेठी का और राहुल गांधी का रिश्ता देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर वहां की जनता में आक्रोश है, जिस तरीके से राहुल गांधी को दो दो तीन तीन वहां दौरे कैंसिल करने पड़ते हैं और जनता खुलेआम विरोध करती है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लग गया था कि अब हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके वहां की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। आज अब अमेठी में हालत यह है कि आप
तीन बार राहुल गांधी लगभग वहां पे सांसद रह चुके हैं, इसके पहले भी इनके परिवार की सीट रही, लेकिन आज भी उसी झोपड़ी में जाके राहुल गांधी और प्रियंका दौरा करते हैं जिसमें इंदिरा और नेहरू जाके दौरा करते थे। तो कहीं ना कहीं इनका विकास वहां की जनता को साफ तौर पर दिखता है। अच्छा। किसी भी चीज में एक आपको लगता है कि अमेठी हारेंगे? देखिए वायनाड जीतेंगे और इसीलिए अमेठी और वायनाड चुना है, देखिए आप मानते हैं? देखिए देश की जनता मन बना चुकी है ना, इनके लिए वायनाड आसान है और अमेठी तो बिल्कुल इनके लिए आसान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दो जगह भागे हैं कि शायद हो सकता है जनता को गुमराह करके वहां पे हम थोड़ा सा इसका फायदा उठा लें। स्मृति ईरानी कुछ कमाल करके दिखाएंगे इस बार। स्मृति ईरानी ने पहले भी ने पसीना पसीना कर दिया था। जो व्यक्ति दो तीन दिन जो रैलियां करता था उसको 20-20, 22-22 दिन अगर पूरे परिवार को वहां वोट मांगने पड़े डोर टू डोर जाके, तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जी ने काम किया था और मेहनत की थी, उसका नतीजा ही था। और राहुल गांधी को आज भी डर था कि हम हो सकता है कि पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ अमेठी बैठे रहे तब भी वो सीट ना निकले। और रही बात प्रियंका जी की, जो व्यक्ति कभी कहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, कभी कहता है कि नहीं लड़ेंगे, वो व्यक्ति बनारस से लड़ेगा। खुलेआम चैलेंज करते हैं प्रियंका गांधी जी को कि बनारस आके लड़ लें और जमानत भी बचा लें तो ये बहुत बड़ा उनके लिए काम होगा। देखिए संदीप जी, या तो अपडेट नहीं है, पढ़े नहीं है, संदीप जी को पता होना चाहिए कि सूरत से आपके जो प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री और आपके नरेंद्र मोदी जी लड़ने जा रहे हैं। दूसरी बात, जैसे तोता टर 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 करता है ऊंचा नहीं मतलब उठ सकता। दो लोकसभा सीट से, हाँ बिल्कुल, तोता टर टर करता है ऊंचा नहीं उठ सकता। चील खामोश रहती है और आसमान आकाश छूती है। आप अमेठी की तो भूल जाइए, हमने आपको चांदनी चौक कराया, हमने अमेठी कराया, वो मैंने इशारा दे दिया इनको, हमने आपको चांदनी चौक कराया, हमने अमेठी कराया, तीसरी बार फिर अमेठी कराएंगे, अमेठी के खाब भूल जाओ। रही बात आपकी, मैं आज आपको इस मन से बोलता हूँ कि अगर हमने आपको चैलेंज दिया वाराणसी में तो हम आपको ऐसा चैलेंज देंगे कि नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी छोड़कर जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो इज्जत के साथ बड़े आराम के साथ सूरत भिजवा देंगे, ताकि वहां की उनके गंगा के पुत्र की जूती है, माँ बेटी अपनी सीट बचाले यही इनके लिए चैलेंज है, माँ की बेटी आई है जो भारतीय नारी है, वो आदमी नहीं है जो कह रहा था मैं गंगा का पुत्र हूँ, और जो जमीन घोटालों में लिप्त रहे हो वो भारतीय नारी आई है, जो जनता विकास का विकास चाहती है, जनता विनाश नहीं चाहती है, जनता नाक को नहीं विकास को वोट देना चाहती है, चैलेंज करते हैं, चैलेंज करते हैं गांधी परिवार का कोई प्रियंका और राहुल सोनिया जिसमें हिम्मत हो बनारस आकर चुनाव लड़ ले और जमानत भी बचा ले तो कहना। अरे यूपी में अगर माँ बेटे भी अपनी सीट बचा ले तो बहुत बड़ा ताज्जुब होगा इस देश की जनता। यही कारण आज घबराई हुई है, 44 से आपको समेट दिया, 4 तो समेटने वाले हैं, आप तसल्ली रखिए। तो सूरत से आपके गठबंधन के लोग आज आईना दिखा रहे हैं, दो सीटें मिली थी माँ बेटे की आपको महागठबंधन से, जिसको आप ये तो हैसियत दिखाई थी आपको आपके सहयोगी दलों ने, आज वाम दल आपको ताल ठोक रहे हैं, ये तो हैसियत है आपके महागठबंधन की, आप हार रहे हो इस बार। अब और भी पैनलिस्ट हैं, उन्हें भी मौका दे दीजिए। मिश्रा जी, आप वायनाड से लड़ने वाले राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे, क्यों लड़ रहे हैं वो चुनाव वहां से, क्या कांग्रेस को अच्छे से पता है कि 2009 से जिस तरह से उसका कद वहां पर रहा है बड़ा, क्या उसी तरह से उनको एक जीत मिल सकती है, क्या ये जीत सुनिश्चित करने के लिए एक स्ट्रेटजी है जीत कांग्रेस की? जीत सुनिश्चित करने के लिए नहीं, ये रिस्क मैनेजमेंट है। देखिए है क्या, मैं आपको बताऊं, जैसे अमित शाह जी है वो आडवाणी जी की जो सबसे सुरक्षित सीट है वहां से लड़ रहे हैं, भाई आप भी यूपी में इलाहाबाद कहीं से लड़ जाते हैं, आपने इतने चुनाव जितवाए हैं तो आप इतने लोगों को चुनाव जितवा दे रहे हो और खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो। खैर संविधान में ये अधिकार है तो कोई भी नेता प्रयोग करे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शायद दो जगहों से चुनाव लड़ते थे, उसके पीछे साइकोलॉजी सिर्फ ये होती थी कि जो कद्दावर नेता है चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो वो हार को फेस नहीं करना चाहते थे, एक ऑप्शन लेके चलते थे, दिस इज वन थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए दो तीन चीजें और है, मुझे अब की बार ये लगता है जिस हिसाब से कांग्रेस टाई अप कर रही है, कहीं कर लिया यूपी में नहीं किया, महागठबंधन में कहीं तो हिस्सा है और कहीं नहीं है, बिहार में केवल 9 सीटों पे ये मान गए, कांग्रेस की रणनीति मुझे बड़ी साफ लग रही है जबकि कांग्रेस बता नहीं रही लोगों को। देखिए कांग्रेस की रणनीति क्या है, वायनाड पे जाने पे एक सीट अगर मान लीजिए ये जीत जाते हैं तो वाम दलों को सीताराम येचुरी वगैरह को एकदम हड़कंप मच गया है। क्यों? कांग्रेस ने बड़ी सोची समझी चाल चली है। देखिए हो सकता है यूपी बिहार में या कहीं पे भी जहां पे बीजेपी या दूसरे पार्टियों का गढ़ है इतने आसानी से जो है कांग्रेस अपने आप को पुनर्स्थापित ना कर पाए। वाम दल क्या है, बंगाल से साफ हो गए, हर जगह से साफ हो गए, छोटे से जगह पे बचे हैं, मतलब वो बहुत कमजोर हो चुके हैं, तो वहां कांग्रेस को पेनेट्रेट करना, अपने बेस को फिर से बनाना भाई बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है, केरल में अपने आप को स्थापित करना स्पेशली साउथ में, तो इस गैप को इस वैक्यूम को फायदा जो है कांग्रेस उठाना चाहती है।
तो दो तीन चीजें हैं, एक तो यह है कि अमेठी से अगर कोई रिस्क हो रहा है तो मैं वायनाड से कर लूं क्योंकि वायनाड हमेशा से सुरक्षित रही है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि पुनर्स्थापना कहां पे करे कांग्रेस, खोई हुई जमीन कहां पे, तो सबसे नर्म जमीन है जहां पे तेजी से पानी निकलेगा, यूपी बिहार वगैरह इनको टफ लग रहा है। वाम दल वाले ऑलरेडी उस तरफ कमजोर हो चुके हैं, बहुत दिनों से शासन भी है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो कांग्रेस एक टेस्ट भी लेना चाहती है कि अब की बार हम लड़के देखें, हो सकता है हमें अगर फेवरेबल रिजल्ट मिलता है ना तो हमारी एक सीट भी कंफर्म होगी, उसके साथ साथ हम अगली बार यहां पे कैंपेन बहुत अच्छे से करेंगे, तो जहां इनको जगह मिल जाए वो एक्सपेंड करना चाहते हैं। ये एक लेटेंट इनकी जो है स्ट्रेटजी है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है। मुझे लगता है आप कोई कमेंट करना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये दोनों पार्टियां अहम बहम और गुमराह की राजनीति कर रही हैं। सीधी सीधी बात है, अहम है उनको कि अमेठी से हरा देंगे और उनको बहम है कि हम जीत जाएंगे। तो जीतना हारना इन लोगों का खेल है। हम तो बात वही किसानों की कहेंगे, जनता की कहेंगे कि उसके लिए ये लोग नहीं चुनाव लड़ते हैं। ये आपस में द्वेष की भावना, जातिवाद और तेरा घर मेरा घर में ही चुनाव लड़ते हैं, जगह बदल देते हैं। हाँ, जगह तो अगर ऐसा हो तो बीजेपी बहुत जगह से बदली है जी, कांग्रेस बदली तो क्या हुआ, तीन को बदल करके सत्ता ने बता दिया, मिश्रा जी ने बता दिया, वाजपेयी जी भी दो जगह से चुनाव लड़ते अभी थे। अभी इस समय ये कोई बुरी बात नहीं है भाई, आप चुनाव का लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी में क्या घबराहट है क्या? दक्षिण में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए संदीप जी बहुत कोशिशें बीजेपी ने की है, पहले विधानसभा चुनाव में हमने देखा है। नहीं देखिए, दक्षिण में बीजेपी की पकड़ बहुत अच्छी है और इस बार बीजेपी दक्षिण में बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। आपका कितना कितनी पार्टियों का गठजोड़ है वहां पर? नहीं देखिए, आप गठजोड़ को तो एनडीओ का 41 दलों का पूरा संगठन है, नहीं फिर भी हमारा एक नेता है नरेंद्र मोदी। बकाया विपक्ष पूरा एकजुट हो जाए और एक नेता बता दे कि इनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। दूसरी चीज, देवेंद्र जी कह रहे थे कि जो नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक चीजें चलते हैं और किसान बेचारा भूला भाला होता है। तो देखिए देवेंद्र जी, एक बहुत सिंपल सी बात है, आप अगर कह रहे हैं कि किसान में गलत लोग हैं या राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं एक हमारी भी कमी है कि हमने गलत लोगों को चुना। किसान में नहीं, देखिए मैं किसान नेता, मैं केवल किसान नहीं, सुनिए मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। पायलट सीट पे लड़ने पर बीजेपी में क्या कुछ घबराहट सी है क्या? आपको लगता है कि राहुल गांधी जीत जाएंगे? जो अपना रण क्षेत्र छोड़ के भाग रहा हो वो हमें वायनाड में क्या घबराहट पैदा करेगा भाई? जिस व्यक्ति को डर लग रहा हो कि आज अमेठी हमारे हाथ से निकल रही हो, अमेठी दावे के साथ छप्पन इंच का जो सपा सरकार में सीना ठोक के इतने लंबे अंतराल राहुल गांधी ने बेरोजगार की बता दो, कुछ ऐसा काम बता दो, मुद्दे तो उठाइए, आप मुद्दे भी उसकी कोई सुविधा नहीं थी, इतनी बेरोजगारी आपकी और आप संख्या की योग्य आदमियों को डाटा निकालने लगा उसको सिस्टम तो छोड़िए, आपका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो सुनिए। अमीर मेला गंदा मत बोलिए, मिठाई मत खाइए, एडवर्टाइजमेंट और विदेश यात्राओं में कर्तव्य करके कर दिया इस देश का। अगर वो किसानों के लिए करा होता तो आज किसानों की दुर्दशा ना होती ना, ना बेरोजगारी होती। लेकिन आपने, आपको पता है कितने अरब रुपए आपने खर्च कराया? गिनती गिनेंगे तो आप ताज्जुब में हो जाएंगे। उतने के अंदर तो 72,000 रुपए जो साल के देने जा रहे हैं, मनमोहन जी ने पता है दो बार दे देते हैं प्रधानमंत्री जी ने, जितनी आपने 10-10 लाख के चार गुना के मुद्दा डाइवर्ट किया, मनमोहन सिंह जी ने जिन्होंने जो क्राइसिस आया था वर्ल्ड के अंदर उसके अंदर हिंदुस्तान की साख बचाई थी, हिंदुस्तान को खड़ा रखा था, शायद आप भूल गए। जिस समय पूरा वर्ल्ड अमेरिका जैसा कंट्री हिल गई थी, एक मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत थी जिसने हिंदुस्तान को संभाल के रखा था, ये वही मनमोहन सिंह है जिसको अमेरिका किसान अगले का दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। सबसे ज्यादा जीडीपी गिरा है वही मनमोहन सिंह थे, हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अनर्थ किया था। अगर संदीप जी अगर सूरत से लड़ते हैं मोदी जी तो उस पर आपका क्या होगा? नहीं देखिए, मैं इस चीज की अफवाह मानते हैं, इस तरह की अफवाहों को टोटली खारिज करता हूँ, ऐसा कोई प्लान नहीं है। मोदी जी से हमने बहुत अच्छे से ये वही कांग्रेस के 700 से ज्यादा फेसबुक और ट्विटर अकाउंट हैं जिन्हें आज फेसबुक ने सस्पेंड किया, जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। वो आपकी तरफ से हैं क्योंकि इस चीज के अंदर फेसबुक ने सस्पेंड आपके अकाउंट किए हैं, हमारी तरफ से नरेंद्र मोदी फूजी अरे सस्पेंड करवाइए, आपके अकाउंट क्यों सस्पेंड होते हैं? क्योंकि आप देश की जनता को गुमराह करते हैं। जो पुराने प्राइम मिनिस्टर से देश को जो देखेंगे जैसा कि संदीप जी ने कहा, एक सेकंड, संदीप जी ने कहा कि बीजेपी ये मानती है कि अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा ऐसा लगता है, और ये अब की बार
क्योंकि लोगों को मना नहीं सकते, इन्होंने कोई काम किया नहीं है, ये जाते नहीं है, दौरे नहीं करते। स्मृति ईरानी अक्सर इस बात को कहती है, क्या कांग्रेस इस बात को मान रही है, यानी एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि दूसरी जगह जो तय की गई है लोकसभा? देखिए, वर्बली तो कोई भी पार्टी नहीं मानेगी, आप सारे पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए किसकी सरकार बन रही, बोलेंगे हमारी। अरे तो सारी पार्टी जीत जाएगी क्या, या सारी पार्टी के टॉप नेता जो है प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर कभी भी वर्बली मानेगा नहीं, लेकिन इनके जो एक्ट होते हैं आप उसको देखिए, इनके मैकेनिज्म को देखिए। मैं एक चीज और बोलता हूं, वायनाड जैसी जगह केरल में जाने से, आपने बोला कि बीजेपी डरी हुई है उनके, मैं बीजेपी नहीं डरी, उसका रीजन है केरल तो बीजेपी का टारगेट ही नहीं है। बीजेपी तो मान के चल रही है कि इस बार भी केरल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एक सीट जीतने या हारने से। हाँ, यूपी वगैरह में कहीं होता तो मैं बोल सकता था कि भाई बीजेपी डरी हुई है। सवाल यह है कि राहुल गांधी को अपने आप को सेफ करने के लिए, या कोई भी नेता हो, चाहे अगर मोदी जी भी सूरत या कहीं जाते हैं, तो सिंपल सी चीज है कि वो अपने आप को सेफ करने के लिए जाते हैं। ग्रेटर टास्क यहाँ पे कांग्रेस का मुझे ये दिखता है कि साउथ इंडिया में ये अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उसके पीछे रीजन है। केरल वगैरह इन सब जगहों पे कभी इनका होल्ड था, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके जो पार्टी के नेता हैं, ग्राउंड लेवल पे लीडर हैं, ऑफिसेज हैं, वो तो सारे जगह में आई। तो इस बहाने जो है एक माई एसिड टेस्ट होता है, तो माई एसिड टेस्ट भी ये कर लेंगे इस इलेक्शन में। मुझे ये लगता है कांग्रेस अभी भी जिस हिसाब से कैंपेनिंग कर रही है, इस इलेक्शन को बहुत सीरियसली नहीं ले रही है, इस इलेक्शन को वो माई एसिड टेस्ट करके ले रहे हैं। और जैसा शायद मैंने सुना था, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, आप टीवी क्यों कह रहे हैं कि कैंपेनिंग जिस तरह से कर रहे हैं वो सीरियस नहीं दिखता है, ऐसा क्यों? उसका गंभीरता नहीं दिखाई देती? आपको बताता हूं, आखिरी टाइम तक चीजें तय हो रही हैं, स्ट्रेटजीज अभी प्लान हो रही हैं, उसके बहुत सारे रीजन है। देखिए, बीजेपी वर्सेज अदर में देखेंगे, इनका अलायंस जो है और उनका अलायंस, फर्क क्या है? देखिए, एक पूरे इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत जबरदस्त सिंक चाहिए। कांग्रेस ने पहले कोशिश किया, एक स्ट्रेटेजिक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। कांग्रेस ने पहले कोशिश किया कि एलाइज बना ले, उसका मुखिया बन जाए, वो नहीं हुआ। एलाइज बन तो गया नाम का, लेकिन उतना स्ट्रांग सिंक नहीं है जितना बीजेपी के एलाइज में है। दिस इज जो फैक्ट है वो फैक्ट है। दूसरी चीज आप ये देखिए, कहीं इन्होंने गठबंधन किया, कहीं नहीं किया। तीसरी चीज आप और देखिए कि अगर आप विन करना चाहते हो किसी कॉम्पिटिशन को, तो आपका जो एग्रेशन होता है, आप अगुआ रहते हो, आप लीडर रहते हो। यहां पे क्या है, उतना स्ट्रेटजिक वे में, कॉन्टिन्यूस वे में, मैनेज्ड वे में ये नहीं चल पा रहे हैं। इन सब चीजों को देख के मुझे ये लगता है कि व्हाट कांग्रेस इज थिंकिंग, कि पूरे एलाइज के साथ कैसे भी करके ग्रेटर गोल ये बना रहे हैं कि बीजेपी को रोक दो, पीएम जो बनेगा वो बनेगा, बट दे आर थिंकिंग फॉर देयर टोटल ग्रेटर गोल ऑफ द नेशन। ये सारे लोगों का, चंद्रमोहन जी देखिए, हमारे एक ही जी एक राजनीतिक विशेषज्ञ है, उनकी आपने एक जो दिमाग की जो विचारधारा, उसको मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। देखिए, एक राय है, किसी भी राय है, राय है। तो लेकिन हमारा ऐसा जनाधार, कांग्रेस का जनाधार साउथ के अंदर बहुत मजबूत है। उस मजबूत जनाधार को हम और बढ़ा के, कर्नाटक में क्या हुआ सर, आपकी मजबूती का कितनी सीट आई, इसीलिए हम उस जगह कितनी सीट कर्नाटक में आई आप मुझे बताइए, फिगर आउट करिए, क्वांटिटेटिव में पता चल जाएगा कितनी मजबूत है सर। ट्रॉपिकल 127 का कितनी सीट थी, 75 सीट पे आ गए, आप इसको मजबूती बोलेंगे? थिंक एंड टैंक बनाते हैं, तो उस थिंक टैंक को ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उस ऑब्जर्विंग को वो जो राजनीतिक विषय को ऐसा कह सकते हैं। सर मैंने एक पॉइंट बोल दिया, साउथ में कितनी मजबूत है, कर्नाटक विधानसभा में दिख गया, आप फिगर आउट कर लीजिए। 127 या 32 जितनी सीट थी, आप 75 सीट पे आ गए, आप बोल रहे हो बड़ी मजबूत है वहां में, लेकिन कहीं ना कहीं सर कुछ तो लॉजिकल होनी चाहिए चीजें। पहले प्लान होनी चाहिए थे, आपको लगता है कि बहुत देरी हो रही है उसमें? नहीं, इलेक्शन में दोबारा जी कोई चीज स्ट्रेटजी पहले प्लान नहीं होती, मिशन को देख के, जब आप देखिए ना, आप 5 साल पहले स्थिति देखिए, सामने वाले को देख के करा जाता है। ये जो इलेक्शन है, ये हम सामने वाले को देख के चलेंगे, चुनाव में अपना लड़ने के लिए प्लान नहीं कर सकते, किसानों के लिए जनता के लिए क्या प्लान करेंगे, कोई भी पार्टी की अपनी स्टडी चेंज करेगी? संदीप जी, हमारा जो अभी देखिए उमरा जी, कांग्रेस की हालत इनके उन नेताओं की तरह है जो जानबूझ के कहते हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो, चाहे इनके यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद। अरे आप तो ऐसे हो, अपने बड़ों को छोड़ देते हो, आप तो ऐसा कर देते हो, जो आज इसको आपने इस्तेमाल करना चाहते हो, आज कहीं मजबूत नहीं है, आज इनको तुमने बाहर निकाल दिया, इनके युवराज के लिए आपके जेटली जी बोल रहे हैं कि वो हमारे लिए शत्रु थे, जब आपके साथ थे तो ठीक थे, और ऐसे ही आपने बंगाल के अंदर किया जो चिटफंड घोटाले वाला आदमी था, आप चिल्लाते रहे चिटफंड घोटाले के लिए, जिस दिन आपके पास आ गया चिटफंड घोटाले वाला ठीक हो गया, जो घोटाले बाद घोटाला करे बीजेपी से बाहर चला जाए, तो आप तो ऐसे लोग हो, क्योंकि आपको अपने बेनिफिट के लिए जो मिल जाए वो ठीक, ऐसे ही आपने शिवसेना का करा, जब तक शिवसेना ने बोला उसके लिए
राइफल चोर आपने रखा भी हमारे साथ है तो लिया ना आपने नीतीश कुमार को डीएनए टेस्ट की बात के साथ है उसके बाद नहीं लिया जो आपके पास आ जाए वो ठीक दो सीटों पे मारने से लड़ेंगे हम सिर्फ वो सीटें देंगे आपकी नहीं चलने वाली सपा बसपा को मारने के अलावा यूपी में एक भी सीट नहीं देश की जनता आपको जवाब देने वाली है जनता तो छोड़िए जिन क्षेत्रीय दलों पे आपका डंडा चलता था वो क्षेत्रीय दल भी आज आपको आंखें दिखा रहे हैं ये देश की जनता आपको पूरी तरीके से नकार चुकी है आज चाहे राहुल हो चाहे सोनिया हो चाहे प्रियंका हो आप आपको बोल रहा था आप ये देखिए सारी पार्टियों को देखिए ठीक है एक पार्टी किसी दूसरे से बेहतर हो सकती है मैं मान सकता हूँ मैं एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने जो बोला सारी चीजें उन्होंने अचीव कर लिया 110% अचीव कर लिया लूप होल्स उनके पास भी है देखिए ये एक युद्ध है जो इलेक्शन होने जा रहा है बिल्कुल और इस युद्ध को केवल एक चीज जीतने के लिए केवल एक क्वालिटी नहीं होनी चाहिए आपके पास एक सिंक होना चाहिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन में इफिशियंसी होनी चाहिए ओवरऑल स्ट्रेटजिक पॉलिटिकल इफिशियंसी लेकिन बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ और कहता है बीजेपी 2014 दोहराएंगे नहीं बेटर आप कह सकते हैं स्थितियां लेकिन वो नहीं है पांच साल का कार्यकाल है पांच साल में कार्यकाल में बहुत सारे फैसले हैं उनके लिए चैलेंजेस मानते हैं चैलेंजेस टफ हुए हैं बहुत बड़ा हिस्सा था जहां पे हमारे बहुत नीचे और राज्य में सरकार करेंगे इन टेंपरेचर ऑफ अदर देखिए 5-0 से हारे जो सरकारों के अंदर वो बहुबोले क्षेत्र जो किसान प्रतिनिधित्व करते थे हिंदुत्व प्रतिनिधित्व करते 3-0 वहां रहे आप दहाई से आ रहे हैं आप दहाई से सिंगल आके आ रहे हैं आपको जो इलेक्शन संदीप जी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनसे कितनी उम्मीद है आपको आपने क्या बहुत आपको लगता है कि कड़ा मुकाबला होगा या आपका जो कैंडिडेट है क्लियर स्वीप करेगा देखिए ऑब्वियसली बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी हमारा टारगेट 370 के आसपास का है और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे से अचीव करेंगे इनफैक्ट यूपी में अगर हमने 70 तुषार वेलापल्ली देखिए तुषार वेलापल्ली भी देखिए हर कैंडिडेट बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहा है और मैक्सिमम कैंडिडेट बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे यहां राहुल गांधी की तरह सीट बचाने के लिए दूसरी तरह जगह जाने वाले कोई प्रत्याशी नहीं है और भाजपा अगर कहीं दूसरा कैंडिडेट दूसरी जगह भी उतार देती है तो वहां भी दावे के साथ जीत नहीं यहां तो राहुल गांधी से टक्कर है वहां पर तुषार वेलापल्ली की नहीं मैं ये कुछ देर पहले ही अनाउंसमेंट हुआ है जो आपको बता रहे हैं देखिए जो आदमी अमेठी से हार के वहां भागा हो उस व्यक्ति से किस चीज की टक्कर वो तो समीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करने गए हैं वहां तो लोगों को गुमराह करने के लिए गए हैं मिश्रा जी क्या मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला है दिलचस्प होगा मैं आपको बोलूंगा इतना कॉम्पिटिटिव मुकाबला आपकी बार होगा बीजेपी के लिए भी चैलेंज अब उतना आसान नहीं है जितना आसानी से इन्होंने 2014 में जीत लिया ना कि केवल पास की सरकारों की बुराई करके अब इनको मेहनत करना पड़ रहा है अब इनको दिमाग लगाना पड़ रहा है इनको सोचना पड़ रहा है और इसीलिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ एलाई किया हुआ है इनके खुद उप मुख्यमंत्री हैं जो यूपी के केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने बोला कि छोटे छोटे दलों के सहारे हम जीतेंगे ठीक है कोई भी जीते कोई भी हारे जीतेगा मेरी बधाई शुभकामनाएं अग्रिम सभी पार्टियों को है लेकिन इतना कॉम्पिटिटिव मुकाबला एक चीज तय है विपक्ष अब की बार बीजेपी को इतना जबरदस्त चुनौती देगा उतना आसान नहीं होगा जैसे एक बार में ही ये क्लीन स्वीप कर गए 2014 में सर मेहनत करनी लेकिन इतना जुड़े कि बीजेपी इतना कहने से बहुत घबराई हुई आपको ये तो पता है आपको ये तो पता है कि मोदी जी सूरत से चुनाव लड़ रहे हैं आपसे हम पूछ रहे हैं कि प्रियंका वाराणसी से लड़ रही है कि नहीं बता देंगे नहीं हमारी स्ट्रेटेजी हम वक्त आने पे बता देंगे लेकिन इतनी तिलमिलाट से ये कंफर्म है कि बीजेपी आज इतनी घबराई हुई है कि उनकी हालत बहुत पतली हो चुकी है और आने ये मानना पड़ेगा आप लोगों ने कंपटीशन टफ किया हुआ है ये मानना तो आप लड़ रहे हैं यूपी में आपको आपके दल भाव नहीं दे रहे हैं बिहार में आपके दल आपको भाव नहीं दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में आपके गठबंधन वाले लोग आपको भाव नहीं दे रहे हैं और घबराई बीजेपी है उधर आपको तृणमूल कांग्रेस उधर आपको भगा रही है उधर सपा बसपा आपको भगाने में लगे और आप कह रहे हैं आप लोग बोल रहे हैं तमाम पार्टियां बोल रही हैं लेकिन देवेंद्र जी किसान नेता बड़े खामोश इसलिए हैं क्योंकि किसानों का ये मुद्दा नहीं था फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इसी के साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना है
राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर।